हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएस सब ड्राइवर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर इस भर्ती का कब तक एग्जाम है वो सीआईएस सब कंडक्ट करवाने वाली है, और दोस्तों साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और दोस्तों महत्वपूर्ण बात कि इस भर्ती में कंपटीशन कितना रहेगा, यानी दोस्तों कितने बच्चों के बीच आपको जो भर्ती है इसमें कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, और दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए कैसे बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड दोस्तों कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, कितने बच्चों ने दोस्तों फिजिकल और ट्रेड आपका क्वालिफाई किया है, कंप्लीट जानकारी दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कितना समय आपको अब एग्जाम के लिए मिलने वाला है, एग्जाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, एग्जाम कौन सी एजेंसी आपका कंडक्ट करवाने वाली है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं कि आखिर दोस्तों क्या आपका है चीजें इसमें रहने वाली। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि सीएसएफ ड्राइवर का दोस्तों हमारा डेडिकेटेड बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आप घर बैठे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सुरक्षा बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलने वाली है। क्लासेस का दोस्तों पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक सब्जेक्ट आपको है इस बैच में पढ़ाया जाएगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आप है एग्जाम में स्कोर कर सकें। दोस्तों बैच आपको ज्वाइन करने के लिए माइंड एग्जाम के ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से दोस्तों माइंड एग्जाम के ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके दोस्तों आज ही इस बैच को सिर्फ और सिर्फ आप है 399 में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात रही, अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि इस भर्ती में आपकी है वो दो प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिली थी, जिसमें पहले दोस्तों जो पोस्ट थी वो कांस्टेबल आपके ड्राइवर डायरेक्ट की थी, जिसमें दोस्तों टोटल आपकी है 183 पोस्ट, 18 पोस्ट दोस्तों अक्सर उसमें की थी। इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दैट इज ड्राइवर फॉर द फायर सर्विस, ये भी डायरेक्ट है, जिसमें दोस्तों 111 पोस्ट आपकी जनरल के, इसमें ज्यादा पोस्ट है दोस्तों 68 पोस्ट है, टोटल आपकी 451 पोस्ट, और दोस्तों 45 पोस्ट है वो आपकी है, वो किसकी है, वो सर्विसमैन की है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि सर जो दोनों पोस्ट है क्या उनका एग्जाम का पैटर्न अलग रहेगा, क्या उनका एग्जाम अलग अलग होगा, या उनकी क्या कट ऑफ अलग अलग रहेगी। तो ऐसा नहीं है, जो ऊपर के अच्छे बच्चे होंगे जिनके अच्छा स्कोर होगा उनको दोस्तों उसके हिसाब से है वो पोस्ट अलॉट की जाएगी। आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी बनवाया गया था कि कौन सी पोस्ट आप पहले लेना चाहते हैं, तो इसमें एग्जाम अलग से नहीं होगा, अलग से दोस्तों कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। जो ऊपर के बच्चे होंगे उनके अकॉर्डिंग वो आपको पोस्ट है वो अलॉट करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी की आगे की चीजों के बारे में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आपका है इस भर्ती के लिए कंपटीशन है वो कितना आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। आपने दोस्तों ट्रेड और फिजिकल दिया है, तो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन का तो दोस्तों आपको अच्छे से खुद को पता होगा कि काफी कम कंपटीशन इस भर्ती के लिए आपको देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों काफी कम बच्चे हैं वो आपके हैं यहाँ क्वालिफाई हुए हैं, यहाँ दोस्तों काफी कम बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल और ट्रेड में। और दोस्तों अब आपका जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो रहेगा एग्जाम। एग्जाम दोस्तों जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि दोस्तों एग्जाम आजकल है उस टाइप के एग्जाम, उस लेवल का एग्जाम नहीं होता है जिस प्रकार आपने पिछले जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम आपको देखने को मिलते थे जिनका लेवल बिल्कुल लो देखने को मिलता था। आपने हाल ही फिलहाल में है उस सीआरपीएफ ट्रेड्स में ना दोस्तों ड्राइवर का पेपर दिया होगा जो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, आपने दोस्तों एसएससी ड्राइवर का पेपर दिया होगा उसका लेवल आपने देखा होगा वो भी टीसीएस ने कंडक्ट करवाया होगा करवाया है, तो आपको तैयारी है वो टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ताकि दोस्तों आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें। मैं एग्जाम पैटर्न के दोस्तों बात कर लेता हूं तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ड्राइवर पार्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर का जीके और दोस्तों 25 नंबर का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें ऑप्शन रहेगा एक सब्जेक्ट आपको है वो अटेम्प्ट करना है। 100 नंबर का होगा, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो दोस्तों देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मिनिमम कट ऑफ है। यानी दोस्तों यहाँ तो कट ऑफ है, वो मुश्किल है कि यहाँ रहेगी, क्योंकि आगे सीधी आपका मेडिकल और दोस्तों फाइनल है कट ऑफ बनने वाली है, क्योंकि आपका फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट हो चुका है। तो ये है, पर आपको तैयारी है वो TCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि पिछली भर्ती में जिस प्रकार का पेपर पूछा गया था उसी प्रकार का पेपर है वो पूछा जाएगा, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। अब मैं दोस्तों कंपटीशन की बात कर लेता हूं और एग्जाम की डेट की भी हम बात करेंगे। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं कि इस भर्ती में आखिर कितना कंपटीशन रहेगा, कितने बच्चे हैं वो क्वालिफाई फिजिकल और ट्रेड कर पाए हैं, तो दोस्तों जो आपका फिजिकल और ट्रेड है वो मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सेंटर थे, 4 सेंटर थे, बाकी कई स्टेट थे जिसमें एक था, कई स्टेटों को मिलाकर सेंटर थे। अगर मैं बिहार वगैरह की बात करूं तो वहां बहुत कम, यानी मैक्सिमम बच्चे तो लाइसेंस में बाहर हो गए। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पास होने का रेशियो था वो राजस्थान में था। अगर मैं दोस्तों एवरेज बात करूं कि कितने बच्चे हैं वो क्वालिफाई, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं, तो यहां जो बच्चे हैं वो 3000 से लेकर 3500 के बीच है वो लगभग बच्चे क्वालिफाई कर पाए, ये मैक्सिमम आइडिया है। आपने दोस्तों खुद है वो चीजें देखी होगी कि आप कितने बच्चे हैं वो फिजिकल ट्रेड क्वालिफाई कर पाए थे। रावतबाटा के सेंटर में सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई, जयपुर आपका है, इसके अलावा देवली टोंग, साथ में दोस्तों मैं बात करूं यहाँ आपके है बहरोड, साथ में दोस्तों पानीपत, ऐसे कई सारे सेंटर थे जिसमें बहुत नेग्लिजिबल बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ ये मैक्सिमम मैंने रखा है और इसमें भी तैयारी करने वाले कम बच्चे हैं। और दूसरी बात कि आपका ये भी चीजें हैं कि मैक्सिमम बच्चे वो भी हैं जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनके SSB ड्राइवर में अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो ये भी चीजें रहेगी कि इस भर्ती का एग्जाम पर डिपेंडेंस रहेगा कि अगर दिल्ली पुलिस के ट्रेड टेस्ट से पहले एग्जाम हो जाता है या बाद में होता है तो फायदा आपको पहले होगा तो कम फायदा होगा, अगर बाद में होता है इसका एग्जाम तो बच्चों को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, वो अपनी दिल्ली पुलिस के हैं वो ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे। तो यहां मैं बात कर लेता हूं आपका एग्जाम डेट की। यहाँ दोस्तों एग्जाम आपका कब तक है वो आपका है, यहाँ CSF है वो कंडक्ट करवा सकता है। दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो CSF अक्टूबर मंथ में कंडक्ट करवाएगा, किस मंथ में, एक्सपेक्टेड अक्टूबर मंथ में है वो CSF आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि इससे पहले कई सारे एग्जाम और भी आपके हैं जो पेंडिंग अभी चल रहे हैं, उनको पहले CSF कंडक्ट करवाएगा। और दोस्तों मोदी जी का जो सपना है 10 लाख आपके रोजगार देने का, मई 2024 से पहले सभी भर्तियों को है वो सक्सेसफुली कंडक्ट है, वो सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या बाकी सभी जगह जो भर्तियां आ रही हैं उनको पूरी तरह है वो आपका है यहाँ कंप्लीट करवा लिया जाएगा, एज ए ज्वाइनिंग तक दे दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों 10 लाख जॉब है वो दिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक जो वैकेंसी जा रही है उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है, तो आपको ज्यादा समय आपका पास नहीं है। अभी आपका अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर के बाद है वो अक्टूबर मंथ है वो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। एग्जाम आपकी ज्यादा समय नहीं है, एग्जाम के लिए दोस्तों ऑनलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है, तो जल्दी से दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और माइंड एग्जाम के ऐप पर जाकर आप है वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।